सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। ऑयल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। स्टॉक प्राइस 600 के ऊपर है, 630 640 के आसपास है। तीन बड़े अपडेट्स हैं दोस्तों, इसके चौथी तिमाही Q4 और 524 के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स के साथ, नतीजों के साथ, फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ बोनस का अनाउंसमेंट होने वाला है और डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है। ये अपडेट्स आया है कंपनी की तरफ से, तो इस अपडेट की बात करते हैं इस वीडियो में। और जैसे कि स्टॉक प्राइस 630-640 के आसपास है, पिछले एक साल का रिटर्न 145% का है दोस्तों। इसका जो हाई बनाया है 669 का बनाया है, लो था 240 का। तो ऑयल इंडिया में भी पिछले एक साल में ज़बरदस्त तेज़ी रही है और इसका डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है। डिविडेंड यील्ड लगभग 3 के आसपास का है। जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऑयल इंडिया लिमिटेड को रखा है, तो पिछले एक साल में ज़बरदस्त तेज़ी रही है शेयर में और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, तो डिविडेंड से अलग कमाई हुई है और स्टॉक भी ऊपर की तरफ है। 140-146% का रिटर्न दिया है जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, जो शेयर होल्डर्स हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के। दोस्तों अब एक बड़ा अपडेट आ रहा है बोनस के बारे में। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है दोस्तों, कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और ये बोर्ड मीटिंग है 20 मई 2024 को। और इस बोर्ड मीटिंग में जो कंसीडर किया जाएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में कंसीडर किया जाएगा, विचार किया जाएगा, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा और साथ में बोनस शेयर के बारे में भी विचार किया जाएगा। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऑयल इंडिया लिमिटेड को रखा है, तो शेयर भी ऊपर की तरफ है और डिविडेंड से अलग कमाई हुई है। अब बोनस शेयर का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो 20 मई 2024 इंपॉर्टेंट डेट रहेगी दोस्तों। बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। 68,426 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 370 का है और डिविडेंड यील्ड 3.17% का है और इसका EPS है 54 का दोस्तों और PE रेशियो है 11 का है, तो ROE है 18.62% की। तो देखिए इसका बुक वैल्यू के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक देखिए अभी 630-640 के आसपास है, 370 का बुक वैल्यू है, दुगने में भी शेयर प्राइस नहीं है दोस्तों। लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स की बात करते हैं, तो जो रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में 11,493 करोड़ का था और कंपनी का जो प्रॉफिट था बढ़कर आया था 2,608 करोड़ का। तो चौथी तिमाही में क्या परफॉर्मेंस रहती है वो देखना पड़ेगा। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, तो इसका जो बुक वैल्यू है 370 का है, स्टॉक प्राइस 630-640 के आसपास है, एक तरह से अभी भी अंडर वैल्यू स्टॉक है दोस्तों।